ये नज्म सुनाता हूं। मैं नाम नहीं लूंगा कि आप जान जाएंगे कि मैं साध्वी प्रज्ञा के बारे में बात कर रहा हूं, जिन्होंने अभी पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा कि गोडसे देशभक्त था। मैं नज्म पढ़ता हूं, सुनेगा। तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है, तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है, अंधियारों के हामी हो तुम, तुमको जुगनू से नफरत है। थोड़ा सा आप बेदार हो, ऐसे काम नहीं चलेगा। मुझे लगना चाहिए कि आप, मैं बंगाल में खड़ा हूं और बंगाल के कलकत्ता के दिल में खड़ा होकर के ये नज्म पढ़ रहा हूं कि तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है, अंधियारों के हामी हो तुम, तुमको जुगनू से नफरत है। करते हुए फरियाद कहेंगे, गांधी जिंदाबाद कहेंगे, गोड से मुर्दाबाद कहा है, गोड से मुर्दाबाद कहेंगे, गोड से मुर्दाबाद कहेंगे। तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है, अंधियारों के हामी हो तुम, तुमको जुगनू से नफरत है। करते हुए फरियाद कहेंगे, बापू अमर रहे बोलेंगे, बापू जिंदाबाद कहेंगे, गॉड से मुर्दाबाद कहा है, गॉड से मुर्दाबाद कहेंगे, गॉड से मुर्दाबाद कहेंगे, गोड से मुर्दाबाद कहेंगे। इमरान ऐसे दौर में बोलने की हिम्मत कर रहा है जब बड़ा मुश्किल है बोल पाना। मुझे अच्छा लगा जब पहली बार मैंने राहुल का ट्वीट देखा परसों। राहुल ने सीधे कहा कि एक आतंकी ने एक आतंकी को देशभक्त बुलाया है। इमरान खड़ा होकर के बोल रहा है, इस तेवर के साथ बोल रहा है कि जो कहते हैं इस आंधी में पर ना तोला जाएगा, जो इस बात पे खुश है हमसे लब ना खोला जाएगा, उनसे कहो हम तूफानों से डरने वाले लोग नहीं, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा, कातिल को मरते दम तक कातिल ही बोला जाएगा। गोड से मुर्दाबाद कहेंगे, गोड से मुर्दाबाद कहेंगे, के मुंह पर तूने राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है। के मुंह पर तूने राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है। के मुंह पर तूने राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से, अब मिश्रा सुनिएगा, अगर सच्चे लगे तो मुझे दुआओं से नवाजना। के मुंह पर तूने राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है। गेरुआ वस्त्र पहन लेने से मन थोड़े साधु रहता है, गेरुआ वस्त्र पहन लेने से मन थोड़े साधु रहता है, कितनी भी माफी मांगो पर डाकू तो डाकू रहता। बहुत शुक्रिया सुब्रतो दादा का, बहुत शुक्रिया।
मैं मुझे याद है तकरीबन धीरे धीरे तीन साल के आसपास होने को आए होंगे, जब 15 में आया था दादा, इलेक्शन 15 में था, और दादा के लिए मैं अपना दामन फैला के, झोली फैला के लोगों से वोट की अपील कर रहा था। और दादा के बारे में उसके बाद जो खबरें मिलती हैं उससे लगता है कि आम आवाम से कितना जुड़े हुए हैं। देखिए, मैं आपके बीच आकर के हमेशा ये कहता हूँ, दलों के दायरे तोड़ करके ये बात कहता हूँ कि जब मैं यहाँ के मुशायरों में आता हूँ, और हमारे यहाँ भी मुशायरे होते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में भी मुशायरे होते हैं, हमारे यहाँ नेता आता है, फीता काटता है, क्षमा रोशन करता है और चुपचाप निकल लेता है, लेकिन कलकत्ता में जब मैं आता हूँ तो यहाँ के जो लीडर्स हैं वो बैठते हैं, सुनते हैं, लोगों के बीच में बैठते हैं। क्योंकि मेरा अपना मानना है कि हम शायर जो हैं वो समाज का आईना है, और आईने के सामने अगली बात जो कहने जा रहा हूं उस पर अब तक की सबसे बड़ी ताली बजाना। हमारे यहां नेता इसलिए नहीं बैठ पाते, क्षमा रोशन करके निकल लेते हैं, लेकिन आपके कलकत्ता में लोग बैठते हैं, नेता यहां का लीडर बैठता है, क्योंकि मेरा मानना है कि हम शायर जो है वो समाज का आईना है, और आईने के सामने बैठने की हिम्मत वही कर सकता है जिसका दामन साफ सुथरा हो। सलाम है इन तमाम रहनुमाओं को जो इस तरह के प्रोग्राम्स में, लिटरेरी प्रोग्रामों में बैठा करते हैं। मैं पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं कि तुमको बापू से नफरत है, तुमको टीपू से नफरत है, अंधियारों के हामी हो तुम, तुमको जुगनू से नफरत है, करते हुए फरियाद कहेंगे गांधी जिंदाबाद कहेंगे, गोडसे मुर्दाबाद कहा है, गोडसे मुर्दाबाद कहेंगे, गोडसे मुर्दाबाद कहेंगे, गोडसे मुर्दाबाद कहेंगे, के दिल में तूने राम, मुंह पर तूने राम रखा है, दिल में नाथू राम रखा है, तेरे सर पर पहले से ही दहशत का इल्जाम रखा है, गेरुआ वस्त्र पहन लेने से मन थोड़े साधु रहता है, कितनी भी माफी मांगो पर डाकू तो डाकू रहता है, के लोकतंत्र के इस गुलशन का पहुंचाना भोपाल तक ये मिसरे, एक हफ्ते बाद मुझे भोपाल जाना है, जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसी तेवर के साथ और इसी हिम्मत के साथ इंशाल्लाह ये नज्म मुझे यहाँ वहां भी सुनानी है जो यहाँ सुना रहा हूँ, आपसे कॉपी चचवा रहा हूँ, पहली बार ये नज्म पढ़ रहा हूँ, पढ़ता हूँ सुनिएगा, कि गेरुआ वस्त्र पहन लेने से मन थोड़े साधु रहता है, कितनी भी माफी मांगो पर डाकू तो डाकू रहता है, लोकतंत्र के इस गुलशन का लोकतंत्र के इस गुलशन का हम तुझको सयाद कहेंगे, गोडसे मुर्दाबाद कहेंगे, गोडसे मुर्दाबाद कहेंगे, गोडसे मुर्दाबाद कहेंगे। बहुत शुक्रिया। इमरान प्रतापगढ़ी के लेटेस्ट मुशायरों और उनसे जुड़ी सारी खबरों के लिए हमारे ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान को प्रेस करें।